नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ब्राजील में कोरोना संक्रमण का आतंक जारी है। पिछले 24 घंटे में यहां संक्रमण से 1043 लोगों की मौत हो गई है। लगातार पांचवें दिन लैटिन अमेरिका देश में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। इसके साथ कोरोना के कारण है यहां मरने वाले की कुल संख्या 238,532 हो गई है। दुनिया में अमेरिका के बाद कोरोना के कारण सबसे ज्यादा मौत यही हुई है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,299 मामले सामने आ गए हैं। कुल अब तक 98,09,754 मामले सामने आए हैं। विश्व में सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में सामने आए थे। दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे पर ब्राजील है। देश में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य साओ पाउलो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां अभी तक 5,691 लोगों की मौत हो चुकी है और 19,11,411 मामले सामने आ गए हैं। इसके बाद रियो डी जनेरिया 5,54,040 मामले सामने आए हैं और 31,383 लोगों की मौत हो गई है। देश में टीकाकरण भी जारी है। देश में अब तक 50,00,000 लोगों को टीके की पहली खुराक भी मिल गई है। वहीं 1,89,100 लोगों को दोनों खुराक मिल गई है। दुनिया भर में कोरोना के 10,85,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। वहीं 23,92,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में अभी तक 2,75,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं और 4,84,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारत में अब तक 1,09,00,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 1,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।